नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोची और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के परिचालन व्यय में, जिसमें 5 वर्षों का संचालन खर्च भी शामिल है, लगभग 1,072 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा। केएलआई परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी ओएफसी के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों कवरत्ती, कल्पेनी, अगति, अमीनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बगाराम, बित्रा, चेटलाल, किल्तान और कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। इससे लक्षद्वीप के द्वीपों में दूरसंचार सुविधाओं में बड़े बैंडविड्थ की उपलब्धता से काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। सबमरीन कनेक्टिविटी परियोजना नागरिकों को उनके घर पर ही ई सुशासन सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र की क्षमता का विकास, नारियल आधारित उद्योगों, पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा के जरिए शैक्षिक विकास और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के जरिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलेगी। इस परियोजना से अनेक उद्यमों की स्थापना, ई कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और शैक्षिक संस्थानों के आपस में ज्ञान की साझेदारी बढ़ाने में पर्याप्त मदद मिलेगी। भारत संचार निगम लिमिटेड को इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी और टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को USOF दूर संचार विभाग की सहायता करने के लिए तकनीकी सलाहकार मनोनीत किया गया है। इस परियोजना के तहत संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार दूरसंचार विभाग द्वारा वित्त पोषित एजेंसी USOF के पास रहेगा। इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 11 द्वीप शामिल हैं, जो अपनी भौगोलिक स्थिति कारण भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित, मजबूत और वहनीय दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता देश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी। लक्षद्वीप में वर्तमान समय में दूरसंचार कनेक्टिविटी उपग्रहों के जरिए प्रदान की जा रही है, लेकिन यहां उपलब्ध बैंडविड्थ की क्षमता मात्र 1 GBPS है, जिससे डेटा आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने में बड़ा अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए लक्षद्वीप में उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ सुविधा को उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे देश में डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के साथ ई गवर्नेंस के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने का लक्ष्य भी हासिल होगा।